उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन मुक्ति के तहत अभियान तेज हो गया है। इस अभियान के तहत पुलिस भिक्षा मांग रहे बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रही है। ऑपरेशन मुक्ति के तहत बैजनाथ पुलिस ने एक बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाया है। बैजनाथ पुलिस ने बताया कि गरुड़ के ग्राम जीजोली निवासी 10 वर्षीय बच्चे ने 5वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था। पुलिस ने बच्चे का कक्षा 6 में दाखिला कराया तथा उसे पुस्तकें भी प्रदान की हैं। इधर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बैजनाथ पुलिस के इस प्रयास की सराहना करते हुए सभी थानों को भी अपने अपने क्षेत्रों में अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है, इस उम्र में बच्चों को भिक्षा के कार्य में लगाया जाना कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुक्ति के तहत यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए, ये जो है पिछले महीने से हमारा डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में भिक्षा नहीं शिक्षा दो के नारे के साथ जो है ऑपरेशन मुक्ति करके अभियान ये चल रहा था। इसमें हमारे बागेश्वर जिले में भी हम लोग इसमें अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ कोई बहुत भिक्षावृत्ति जैसी बुराई तो अभी तक बहुत यहाँ पर जानकारी में नहीं आई है, लेकिन हमने इस क्रम में जगह जगह अपनी टीमें लगा रखी हैं मंदिरों के आसपास और जो बस अड्डे हैं वहाँ पर भी। तो भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए तो नहीं, लेकिन हमें कई बच्चे इस प्रकार के मिले जो अनावश्यक दिन भर व्यर्थ घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं, किसी काम में लगने का प्रयास करते हैं वो, तो उनके मदर फादर्स को हमने काफ़ी इसमें जागरूक किया है, कोशिश कराई है और बच्चों को हमने इसमें कुछ बुक्स भी अवेलेबल कराई हैं, कुछ बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी कराया है। बागेश्वर का जो इलाका हमारा है, इसी तरह से बैजनाथ और हमारा कपकोट, सभी जगहों पर हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे शिक्षा की तरफ जाएँ और अनावश्यक ना घूमें और भिक्षा की तरफ बिल्कुल भी ना रहें। CNN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।